दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सिंधी तोशे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को पहले से ही गर्म कर लिया है 5 मिनट के लिए, और इसमें मैंने डाल दिया है काफ़ी सारा घी। इस घी को हम अच्छे से मेल्ट कर देंगे। मेल्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम बनाएंगे सिंधी तोशे का डो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम जितना मैदा ले लिया है, और इसमें मैं अब डाल रहा हूँ 4 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे घी। हम यहाँ पे 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एडजस्ट करते जाएंगे और इसका एक थिक डो बना लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग हमारा डो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक कपड़े से कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पे हमारे तोशों के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसे मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, और इसमें मैं अब डाल रहा हूँ 500 ग्राम जितनी शक्कर। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप जितना पानी। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक हमारा सिरप थिक और स्टिकी नहीं हो जाता। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो शक्कर है वो पीली पीली हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी शक्कर है वो मैली है। अब इसका जो मैलापन है वो हमें निकालना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना दूध डाल रहा हूँ। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसका जो पूरा मैलापन है वो पूरा निकल नहीं जाता। जैसे कि आप अभी यहाँ देख सकते हैं जो हमारे शक्कर का जो मैलापन है वो अब कढ़ाई के एजेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या आप बोल सकते हैं कि कढ़ाई के कोने की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अभी हमें करना कुछ नहीं है, बस इस जितना भी मैलापन है इसे इस कणची की मदद से निकालना है और इसे बाहर फेंक देना है।
जैसे कि आप अभी यहाँ देख सकते हैं, हमारी चाशनी का पूरा मैलापन भी निकल चुका है और ये लगभग बन भी चुकी है। अभी हमें चेक करना है कि हमारी चाशनी बरोबर से थिक और स्टिकी हुई है कि नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं, हमारी जो चाशनी है वो एकदम स्टिकी हो चुकी है और थिक भी है। अब हमें हमारे डो को मसलना है और इसके तोशे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसे मसल लेंगे एक दो बार और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और ओवल शेप में भी बनाएंगे, जो सिंधियों की स्पेशलिटी होती है। आपको कुछ इस तरह से इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। मैं यहाँ एक बड़ी प्लेट ले रहा हूँ और इसमें पूरे तोशे को शिफ्ट करते जाएंगे हम। यहाँ हम कुछ ओवल शेप में भी बना लेंगे। यहाँ मैंने घी ले लिया है, ये वही घी है जो शुरू में हमने लिया था इसका डो बनाने के लिए। तो काफ़ी सारा घी बच चुका था तो इसे ही मैंने ले लिया है, उसे हम वापस मेल्ट कर रहे हैं और इसमें थोड़ा और घी डालेंगे हम, ताकि हम अपने तोशों को तल सकें। हम इसे अच्छे से मेल्ट कर देंगे। हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे हमारे तोशे। हमें इन तोशों को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे तोशे जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी हमें इन तोशों को एक प्लेट में निकाल देना है। तोशे प्लेट में निकालने के बाद हमें इसे चाशनी में डालना होगा जो हमने बनाई थी। हमें इन तोशों को चाशनी में 2 से 3 मिनट तक मिलाना होगा, जब तक ये चाशनी को सोख नहीं लेता। जैसे कि आप अभी यहाँ देख सकते हैं, जो हमारे तोशे हैं वो चाशनी को सोख चुके हैं। अभी हमें इसे एक बोल में निकाल देना होगा। दोस्तों, आप इसे चाशनी में ज़्यादा देर तक मत रखिए, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।